ये जो मोदी भक्त हैं, जो गोदी मीडिया है, ये भी अब ये मानने लगेगा कि यहाँ पे बैठे हुए लोग किसान हैं, ये हमारी एक जीत है। बाकी अभी पूरी जीत जब तक नहीं होती, जब तक कि ये तीनों कृषि बिल जो है वापस नहीं हो जाते संसद में, तो कानून वापसी लेने की बात करी गई है, ये सिर्फ मुंह से बोली गई है, अभी इसको संसद में रद्द नहीं किया गया है। तो मेरा मानना ये है कि जब तक ले ये कानून संसद में ना रद्द किए जाए, तो तब तक ले ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। जब तक हमारी लिखित पढ़त नहीं होगी, हमारे संयुक्त मोर्चे की ऐलान नहीं होगा, तारीख का फैसला जब ही मानेंगे, जब तक हमारे लिखित में MSP की गारंटी, तीनों कानून रद्द होने चाहिए। हम इस जीत को तभी मानेंगे जब हमें ये राज्यसभा और संसद में ये कैंसिल होंगे, रद्द होंगे और हमें MSP की गारंटी मिलेगी। मीडिया नहीं दिखा रहा कि 750 लोगों की शहादत हुई है, इसलिए तो हम उसको गोदी मीडिया कहते हैं। वो सरकार के पक्ष की बात रखता है, इसलिए हम उसको गोदी मीडिया कहते हैं। कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो कमजोर हो रही है, और इसीलिए उन्होंने ये कानून वापसी लेने की यहाँ पे बात रखी है। इस समय न्यूज डिक्शनरी की टीम टिकरी बॉर्डर पर, और टिकरी बॉर्डर पर क्यों है, क्योंकि अभी PM मोदी द्वारा एक फैसला आया है कि तीन कृषि कानून जिसके खिलाफ किसान लगभग एक साल से विरोध कर रहे थे, अब उस कानूनों को वापस लेने का वादा आया। लेकिन वहीं जो राकेश टिकैत जो किसान नेता है, उनका कहना है कि जब तक ये कानून संसद में रद्द नहीं हो जाते, हम या हमारा कोई भी किसान संगठन या किसान साथी वहाँ से वापस नहीं हटेगा। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से कि इस फैसले को कैसे सोचते हैं, कि PM मोदी का एक फैसला आया कि जो कृषि कानून है उनको वापस लिया जाएगा, या कोई डर है या कोई चुनावी रणनीति है। देखिए, पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मैं त्रिलोक हूँ और मैं भीम आर्मी से जिला अध्यक्ष नॉर्थ वेस्ट हूँ, और जो हमारे चंद्रशेखर भाई है जिन्होंने वादा किया था कि हम हमेशा किसानों के साथ रहेंगे, आज भी वो किसानों के साथ हैं। मैं एज ए भीम आर्मी प्रवक्ता भीम चंद्रशेखर भाई की तरफ से यहाँ पे आया हूँ, और मैं बोलने आया हूं कि जो भी किसान भाई हैं हम उनके साथ हैं, भीम आर्मी पूरी टीम उनके साथ है, और आजाद समाज पार्टी पूरी उनके साथ है। और ये जो कानून वापसी लेने की बात करी गई है, ये सिर्फ मुंह से बोली गई है, अभी इसको संसद में रद्द नहीं किया गया है। तो मेरा मानना ये है कि जब तक ले ये कानून संसद में ना रद्द किए जाए, तो तब तक ले ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी, और हम संघर्ष ऐसे ही करते रहेंगे। तो मतलब ये इस तरह का बयान PM मोदी द्वारा क्यों आता है? जो उपचुनाव हुए उसमें BJP की स्थिति बुरी रही, क्या उस स्थिति को देखते हुए ये फैसला आया? ऐसा है कि 2022 में यूपी में चुनाव हैं और दिल्ली में भी चुनाव हैं, क्या पता ये रणनीति इसलिए अपनाई गई है ये चुनाव के लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को अपने पास करीब खींचने के लिए। ये जो केंद्र शासक ने ये जवाब दिया है कि लोगों को किससे उनको ये लगे, इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो कमजोर हो रही है, और इसीलिए उन्होंने ये कानून वापसी लेने की यहाँ पे बात रखी है, मगर अभी तक ये संसद में रद्द नहीं किया गया है। मैं यही कहना चाहूँगा, जब तक ले ये संसद में रद्द नहीं होएगा, तो हम ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे, और हमारी भीम आर्मी टीम और आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर भाई हमेशा किसानों के साथ है। एज ए प्रवक्ता मैं चंद्रशेखर भाई की तरफ से मैं यहाँ पे आया हूँ अपने किसान भाइयों को सपोर्ट करने के लिए। कैसे देखते हैं इस फैसले को जो केंद्र सरकार द्वारा ये जो कृषि कानून है उसको वापस लेने का ऐलान किया गया PM मोदी द्वारा? ये देखते हैं, जब तक हमारी लिखित पढ़त नहीं होगी, हमारे संयुक्त मोर्चे की ऐलान नहीं होगा, तारीख का फैसला जब ही मानेंगे, जब तक हमारे लिखित में MSP की गारंटी, तीनों कानून रद्द होने चाहिए, ये हमें संयुक्त मोर्चा देगा आदेश, उसके बाद हम अपनी कार्रवाई करेंगे। लिखित का मतलब है संसद में पास, जो ये लिखित कह रहे हैं इसका मतलब है संसद में पास जब तक नहीं होते, कानून के रूप में ये नहीं आते जब तक नहीं मानेंगे, किसी की लिखी गारंटी नहीं, संसद में पास होने चाहिए। तो केंद्र सरकार इस तरह के फैसले, यानी चुनावी कोई रणनीति है या फिर और कुछ? चुनावी रणनीति किसकी, सरकार की, भाजपा की? ये तो वही जानते हैं कि वो क्या, उनकी क्या रणनीति है, वो क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे किसान लोग तो भोले भाले लोग हैं इतना, ये जो है खुशी की बात ये है कि अभी किसानों को किसान माना गया बहुत टाइम के बाद, नहीं तो सरकार जो है इनको किसान ही मानने को तैयार नहीं थी। अब जब मोदी ने किसान मान लिया, तो मीडिया भी इसको अब किसान के तौर पर लोगों से ट्रीट करेगा, लोगों से बातचीत करेगा, ये एक बड़ी जीत है।
कहीं ना कहीं आपके संघर्ष की जीत है, क्योंकि जब किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था उस टाइम बोला जा रहा था नकली किसान है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, लेकिन सरकार अब आपको किसान भी मानने लगी है, तो कैसे सोचते हैं? वही मैं बता रहा हूँ कि ये अब किसान मानने लगी है, और ये जो खासकर जो मोदी के जो 20 करोड़ फॉलोअर्स हैं, जो लोग उन्होंने अपने उसमें संगठन में जोड़ लिए हैं, मेंबर्स बना लिए हैं, वो भी अब इन लोगों को किसान मानने लग जाएंगे, क्योंकि जैसे कोर्ट ने अभी पहले प्रदूषण के लिए जो है किसानों को पराली जलाने को मानता था, अब फैक्ट्री को और जो ये जो ट्रैफिक चल रहा है, व्हीकल चल रहे हैं, उनसे पोल्यूशन है ये मानने लगा, तो लोग भी उस हिसाब से सरकारें भी मानने लगी। इसी तरह से अब ये जो मोदी भक्त हैं, जो गोदी मीडिया है, ये भी अब ये मानने लगेगा कि यहाँ पे बैठे हुए लोग किसान है, ये हमारी एक जीत है। बाकी अभी पूरी जीत जब तक नहीं होती, जब तक कि ये तीनों कृषि बिल जो है वापस नहीं हो जाते संसद में, और साथ ही साथ ये जो एमएसपी है उसके ऊपर बिल पास नहीं हो जाता कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी किसानों को मिलेगा, इसके ऊपर भी हम लोग बिल चाहते हैं, इसके लिए लगातार हम बैठे हुए हैं। हमारी शुरुआत हुई थी किसानों की, जो किसान विरोधी बिल आए थे उसके साथ, लेकिन एमएसपी की डिमांड, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य की डिमांड हमेशा से रही है, तो वो हमारी मुख्य मांग है, हमेशा से रही है, और अब इतने संघर्ष के बाद 750 लोगों की शहादत के बाद हम लोग उसको भी लिए बिना यहाँ से नहीं उठने वाले, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी आदेश आएगा संयुक्त किसान मोर्चा का। जिस तरह से आपने बोला 700 लोगों की शहादत हुई, लेकिन ना ही सरकार और ना ही मीडिया उस चीज को दिखा रही है कि कितने किसानों की शहादत हुई, इसको कैसे सोचते हैं? देखिए वही ये तभी तो जो मीडिया नहीं दिखा रहा है कि 750 लोगों की 750 लोगों की शहादत हुई है, इसलिए तो हम उसको गोदी मीडिया कहते हैं, वो सरकार के पक्ष की बात रखता है, इसलिए हम उसको गोदी मीडिया कहते हैं, अन्यथा हमें मीडिया से कोई मीडिया है बातें सरकार को से काम करवाने के लिए, लेकिन वो सरकार पे पर्दा डाल रहा है, इसलिए हम उसको गोदी मीडिया कहते हैं, उसको उसकी कमियां बतानी चाहिए ताकि सरकार सुचारू रूप से काम कर सके, लेकिन वो सरकार को काले कामों को ढकने का काम कर रहा है, इसलिए हम उसको गोदी मीडिया कहते हैं। जी, जैसा कि आपने हमारे विजुअल में साफ देखा कि इनका कहना है कि जब तक वो कृषि 3 कानून वापस संसद में रद्द नहीं किए जाते, हम किसी भी प्रकार का निर्णय या फिर किसी भी प्रकार का फैसला नहीं लेंगे। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से। अभी जो पीएम मोदी के तरफ से एक फैसला आया है कि कृषि कानूनों को वापिस लिया जाएगा, किस तरह से देखते हैं? बढ़िया है, ठीक है, लेकिन जब तक ये संयुक्त किसान मोर्चा ये ऐलान नहीं करता, इनके साथ मीटिंग नहीं होती और वहाँ संसद में मीटिंग होगी इनसे, जब ये हमें हुक्म देंगे तब हम जाएंगे, ठीक है। अच्छी बात है, उनको देश का फिक्र हुआ है, ठीक है, बढ़िया। तो साफ इनका कहना है कि जब तक ये फैसला संसद में रद्द नहीं किया जा सकता, तब तक किसान संगठन और बाकी जितने किसान नेता हैं इस फैसले को मानेंगे नहीं। किस तरीके से देखते हैं कि मोदी पीएम मोदी द्वारा बयान आया कि किस कृषि कानूनों को रद्द किया जाए? बहुत ही एक साल के किसानों के संघर्ष के बाद आज मोदी सरकार झुकी है, और हमें खुशी भी है कि हमारी जीत हुई है। हम इस जीत को तभी मानेंगे जब हमें ये राज्यसभा और संसद में ये कैंसिल होंगे, रद्द होंगे, और हमें एमएसपी की गारंटी मिलेगी, उसके बाद ही किसान घर वापसी होगी। तो इतने एक साल से ज्यादा वक्त हो गया है, उसके बाद पीएम मोदी का ये फैसला आता है कि हम कृषि कानूनों को रद्द करेंगे, या कोई इसमें कोई चुनावी रणनीति है, या भाजपा अपने हार को देख ली? हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, हमें तो अपने काले कृषि कानून वापस करवाने थे, और हमारी लड़ाई कृषि कानूनों को लेकर थी, और आज हमारे किसानों का यह संघर्ष हुआ की जीत हुई, और हमारे 750 से ज़्यादा किसानों ने इसमें शहीदी दी है, आज उनकी शहीदी काम आई है, और आज किसानों की जीत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप साफ सुन सकते हैं कि किसान जो हमारे भाई हैं, किसान और नेता, वो साफ कह रहे हैं कि जब तक ये कानून संसद में रद्द नहीं किया जाएगा तब तक इस फैसले को मानने नहीं जाएगा, और लगातार जिस तरह से 750 किसानों की शहादत के बाद पीएम मोदी द्वारा एक फैसला आया कि उन्होंने कहा कि जो 3 कृषि कानून है उसको वापस लिया जाएगा, लेकिन बात ये वहीं पर उठती है, क्या ये बीजेपी की या केंद्र सरकार की 2022
इलेक्शन जो यूपी में है उसको लेकर कोई रणनीति है, या फिर जो उपचुनाव हुए और उस उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी को करारी हार मिली उसके वजह से है ये फैसला जो पीएम मोदी द्वारा आया। किसानों का साफ कहना है कि जिस तरह से ये कानून संसद में लेके आए उसी तरह ये कानून रद्द किया जाए तब हम इस फैसले को मानेंगे। न्यूज डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज डिक्शनरी, खबर जो आपको भाए।